सो अभी मैंने माउंट किया है अपना GoPro Hero 10 एक एडाप्टर पे, नॉट एडाप्टर एक्चुअली, ये है मीडिया मोड, और मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ रोड का वायरलेस माइक एंड साइड में हेलमेट। सो मैंने सोचा क्यों ना टेस्टिंग की जाए वॉइस की, और जो फुटेज है वो कैसा आ रहा है जब हम इंस्टॉल करते हैं एक मीडिया मोड ऑन GoPro Hero 10 अलॉन्ग विद रोड का माइक जो कि है वायरलेस। आजकल भूल बहुत रहा हूँ चीज़ों को मैं। सो अभी मैं जा रहा हूँ लाजपत नगर, एक छोटा सा काम है मेरा, मेरी बहन के लिए कुछ चीज़ें लेनी है वो लेके आऊँगा, साथ ही साथ ये वीडियो एक टेस्टिंग वीडियो है मेरे माइक को लेके और मीडिया मोड को। सामने ये नोएडा और बदरपुर वाला रोड जो कि कनेक्ट करता है, ये कनेक्टिंग रोड है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है। आज है संडे, सनी डे है, काफ़ी अच्छा दिन, देख सकते हैं आप सूरज मेरे सर के ऊपर, और राइड करते हैं थोड़े से बाइक को रेव करके, देखते हैं कि ये बाइक ऐसे टाइम में कैसा मज़ा देती है। क्योंकि GT कॉन्टिनेंटल जब मैंने लिया था ये सर्दी का टाइम था, उस वक्त से मैं राइड कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे देखते हैं गर्मी में इसको राइड करना क्या कंफर्टेबल है या नहीं, क्योंकि इसमें जो हीटिंग इशू है वो थोड़ा रहता है हमेशा। सर्दियों में तो इट्स प्लीजिंग, क्योंकि सर्दी में जब गर्म चीज़ आती है आपके पास तो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो बाइक ही क्यों ना हो। तो चलिए चलते हैं अभी लाजपत नगर, आपको दिखाता हूँ चलूँगा कि कहाँ से मैं जा रहा हूँ आज लाजपत नगर। वैसे इस ब्लॉग में बहुत कुछ देखने को नहीं है, स्टिल आई ट्राई टू शूट इट इन अ नाइस वे, सटल और इंफॉर्मेटिव रहेगी। इन्फॉर्मेशन ऐसा सच क्या ही होगा, बस इट्स मोर ऑफ अ टेस्टिंग वीडियो, स्किप करके देख सकते हो आप, अगर कोई दिखता है एक छोटी सी रेस कर लेंगे आगे। अभी मैंने ABS, हाँ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अभी मैंने ABS जो है वो अपने बाइक से ऑफ कर रखा है। अगर आप GT ओन करते हैं या अगर आपको GT की नॉलेज है तो आपको पता होगा कि इसका जो ABS है दैट इज़ ऑटोमेटिक, और वहाँ पे ऑटोमेटिक को आप कोई भी स्विच नहीं है उसको बंद करने के लिए। सो उसका एक ही तरीका है, आप अपनी बाइक का जो ABS का जो फ्यूज़ है अगर वो आप निकाल देते हैं तब आपका ABS पूरी तरह से ऑफ हो जाता है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे शौक है थोड़ा सा स्टंटिंग का, और मैं इससे बर्नआउट काफ़ी ज़्यादा करता हूँ, और फिर मुझे पता चला कि ऐसे ABS ऑटोमेटिक ABS पे जब आप बर्नआउट करते हैं तो आपके इंजन पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब भी आप ब्रेकिंग करेंगे फ्रंट ब्रेकिंग लेते ही जो रियर ब्रेक है वो भी कहीं ना कहीं किसी हद तक इंगेज होता है, और आपके जो क्लच है वो इस तरह फूक जाएगा मतलब ख़राब हो जाएगा। तो इससे मैंने ABS को स्विच ऑफ कर दिया है फ्यूज़ निकाल के, तो अब जो है बाइक मेरी रेडी टू स्टंट हो गई है। अब इस पर रोलिंग बर्नआउट मैं सीखूंगा क्या, मुझे ऑलरेडी आता है बट थोड़ा सा यू नो पॉलिश करने की ज़रूरत है। इस बीन 3 to 4 years जब मैं रोलिंग बर्नआउट करता था पल्सर पे या KTMs पे, तो अभी GT पे मैं उतना अच्छा नहीं हूँ वाइल डूइंग रोलिंग बर्नआउट, बट मुझे लगता है ABS ऑफ करने के बाद चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, और देखते हैं कितने दिन में मैं एक बहुत ही अच्छे तरीके का बर्नआउट रोलिंग बर्नआउट करना सीख जाता हूँ। तो अभी है सर के ऊपर मेरे बिल्कुल सूरज, और काफ़ी ब्राइट डे है आज, काफ़ी दिनों बाद सर्दी के बाद आई गेस दिस इज़ द फर्स्ट ब्राइट वन, तो अच्छा लग रहा है, बट थोड़ा सा आंखों को सुकून नहीं है जालिम, ये बहुत तेज़ है। एनीवे अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ राइट लूँगा, और गोविंदपुरी होते हुए जो नेहरू प्लेस का फ्लाईओवर है वहाँ से मैंने लेना है यू टर्न, और यू टर्न लेके मैं पहुँच जाऊँगा सब्ज़ी मंडी की तरफ, और वहाँ से मैं निकल जाऊँगा लाजपत नगर। सामने ग्रीन लाइट और हमारे लिए है रेड लाइट, स्ट्रेट वालों के लिए है ग्रीन लाइट, वेटिंग फॉर द लाइट टू टर्न ग्रीन, और यहाँ से हम निकल गए ऐसे। अभी मुझे आना यहाँ पे प्रिंट से कुछ स्टिकर्स लेने, जो कि है राहुल भैया का, वो एक टी ब्रांड है, उसके लिए स्टिकर्स भी लेना है। सो मोटो ब्लॉगिंग, आज हम बात करते हैं चलिए मोटो ब्लॉगिंग के बारे में। मोटो ब्लॉगिंग एक ऐसा ब्लॉग है ब्रदर, आप अगर मोटो ब्लॉगर हो तो आप कनेक्ट कर पाओगे इस चीज़ से। बाकी सारी ब्लॉगिंग में आपको एक बंदा मिल जाता है बात करने के लिए, फूड ब्लॉगिंग में एक बंदा मिलेगा फूड के लिए आपको, आप उससे बातचीत करोगे फूड के बारे में, और मोटो ब्लॉगिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आप खुद ही खुद से बातें करते रहते हो, तो कभी कभी क्या होता है कि आप जब ट्रैफिक पे रुकते हो तो लोग कई बार आपसे कहते पागल वागल हो गया है खुद ही क्या बोल रहा है, खुद ही खुद से बातें कर रहा है, तो कभी क्या ऑकवर्ड हो जाता है, बट स्टिल विल सेल थ्रू दिस। अभी मैं
मोटो ब्लॉगिंग में थोड़ा कच्चा हूँ, बट विल डू इट, अच्छे से करेंगे, स्वैग स्वैग से करेंगे स्वागत। तो देख रहे हो भैया क्या बैलेंस है, बहुत बढ़िया। और मैंने विदिन 5 सेकेंड 80 टच कर दिया, 80 किलोमीटर पर आर की रफ्तार इन जस्ट 3 सेकेंड। ओ यही खासियत है इस बाइक की, जब आपको खाली रोड मिलता है तो ये बाइक चलाने का एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है, और ट्रैफिक में ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, थका देती है आपको कहीं ना कहीं। मैं खुद थक जाता हूँ ट्रैफिक में, तो ट्रैफिक में इट्स नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, बट हाँ जब रोड मिले आपको तो आप ज़रूर रेफ करें, आपको स्वाद आ जाएगा, स्वाद ही रहो। तो अभी मैं बता दूं कि मैं आ चुका हूँ कालका जी वाले रोड पे, जहाँ से निकलूँगा राइट लेके, राइट की तरफ जाते ही मैं मुझे मिल जाएगा नेहरू प्लेस का फ्लाईओवर, वहाँ से लेना है यू टर्न, और यू टर्न लेते ही मैं पहुँच जाऊँगा आपके लाजपत नगर। सामने मेरे रेड लाइट जो कि है ग्रीन, और हो चुका है येलो, आई जस्ट है 4 to 3 सेकेंड, और हमने इसका पूरी तरह से इस्तेमाल किया है, और हम मूव कर रहे हैं अगेन मंजिल की तरफ। और सामने हमारे हैं डोमिनो राइडर, आई गेस नहीं, ये है टीवीएस की बाइक, तो देखते हैं इनका जो राइडिंग जो एक्सपर्टीज है वो किस लेवल तक है, पहले बाइक में फिगर आउट कर लें। आई गेस ये FZ है, तो FZ को राइड कर रहे हैं, काफ़ी टेलीकॉम वगैरह इन्होंने लगा रखा है, आई बिलीव ये थोड़े ट्रैवल टाइप के राइडर है, ट्रैवल राइडर वर्सेस कैफे रेसर राइडर। चलिए आज देखते हैं थोड़ा सा किस में कितना है, दम थोड़ा सा रेफ करूँगा बस। वाओ यही खासियत है GT की, किस तरह से मसलते हुए निकलती है, बट कोई नहीं, इनको एक मौका और दिया हमने, और ये मौका उनके हाथ से फिर से छीनते हुए रॉक और रेड GT कॉन्टिनेंटल 650। और मैं फिर से एक रेव में आगे, सो ये खासियत इस बाइक की, यू जस्ट रेव इट और ऐसे रिस्पॉन्स करती है जैसे सुपर चार्जर इंजन लगाओ इसके अंदर। और अब चलते हैं, आप मेरा RPM नोटिस करोगे, जैसे मैं 2 से 4 की तरफ बढ़ता हूँ बाइक रॉकेट, ये बेहतरीन खूबसूरती है इस बाइक की, विद डुअल सिलेंडर 650 cc का इंजन, और मेरा पावर एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स दैट मैटर्स। तो अब यहाँ से लेता हूँ मैं राइट, और दीदी यहाँ बना रही थी वीडियो, और सामने में जो पोलो है उसमें लगे हैं कस्टम एग्जॉस्ट, जिसकी आवाज़ है बहुत ही खूबसूरत, और बढ़िया ड्राइव कर रहे हैं जो भी है इनसाइड दिस कार, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और यहाँ से लेना है हमने लेफ्ट नहीं तो राइट, और फिर हम पहुँच जाएंगे सब्जी मंडी ओखला, और वहाँ से छोटा सा लेफ्ट और लाजपत नगर की तरफ। तो ये खूबसूरती है पोलो की विद कस्टम एग्जॉस्ट, पोलो से रेस लगाएंगे आज। यहाँ
तो मैं और ये बच्चा खेलते हुए गाड़ी में सामने बहुत ही खूबसूरत इनको ये लग रहा है कि मैं इनको इनसे रेस कर रहा हूँ और ये अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं। यू कैन सी एक हाथ फ्री और मेरा आरपीएम अलमोस्ट 2 से नीचे और जैसे मैं 4 रिव करूँगा ना तो पहुँच जाऊँगा मैं इनके पोलो की तरफ और ये मैं आ गया इनकी पोलो की तरफ। राइट बिहाइंड पोलो। वाह क्या कट लगाया, बहुत शार्प, बहुत बढ़िया। इनके जस्ट पीछे रहना है ताकि ये ऐसे भगाते रहें और आपको मैं फुटेज दिखाता रहूं। बट इन्होंने ले लिया है राइट टर्न, रेड लाइट है, रेड लाइट जंप कभी भी नहीं करें आप। और सामने है मेरे BMW 310RR जो कि नेकेड वाली वर्जन है ये सामने। मतलब ऑनेस्टली बताऊँ वो बात नहीं है इस बाइक में क्योंकि दिस इज़ वेरी बेसिक ऑफ, ऐसा लगता है कि TVS की बाइक में BMW का लोगो लगा दिया गया है। तो पर्सनली मुझे ये बाइक समझ में नहीं आई, आप बताना कमेंट में आपको कैसे लगी ये बाइक, अगर आप ओन करते हो या प्लान कर रहे हो आपको इसमें क्या अच्छा लगता है जो आप इसको लेना चाहेंगे। स्वाद आ गया, स्वाद 5 सेकंड में 100 110 5 सेकंड में ओनली 5 सेकंड। तो ये खूबसूरती है डुअल सिलेंडर 350 650 not 350 दूध। सामने जैगुआर, 10 सेकंड का वेट है और फिर हम बढ़ेंगे अपनी लाजपत नगर की तरफ। यहाँ से लेना मुझे लेफ्ट अगेन और फिर पहुँच जाएंगे लाजपत नगर। बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट, स्वाद आ गया। वो 103 सेकंड, वाओ। तो जैसे जैसे बाइक मेरे हाथ पे सेट होती रहेगी आपको ऐसे जो पर सेकेंड जो स्पीड अचीवमेंट है टाइम के साथ बढ़ता हुआ दिखेगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, स्वाद आ गया। चलो तो अभी मैं पहुंच चुका हूं शायद, हाँ पहुंचने वाला हूं लाजपत नगर। यहां से मैंने लेना है राइट और हम पहुंच जाएंगे लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट जहां से हमने लेना है कुछ चीज़ें अपनी वैन के लिए और फिर बैक टू होम। बहुत बढ़िया, और ये मेरे स्कूल टाइम की कुछ यादें हैं जो जुड़ी हुई इस जगह से। मैं अपनी मम्मी के साथ आता था यहाँ शॉपिंग करने और यहाँ एक शॉप हुआ करती थी चुनमुन नाम से, जहाँ पे सेल्स मैन इतने एक्सपर्ट थे कि शाहरुख खान सलमान खान बोल के ना वो जो बिल्कुल अलग अतरंगी चीज़ें होती थी वो मुझे पहना देते थे। और ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देखेंगे पार्किंग फैसिलिटी वो दैट इज़ नेक्स्ट लेवल, काफ़ी अच्छा कर रखा है और इससे काफ़ी सहूलियत है लोगों को भी। पहले गाड़ी पार्क करने के लिए काफ़ी इशू था यहाँ पे, काफ़ी परेशानी होती थी लोगों को, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई यहाँ से विच इज़ गुड। आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पे आपको मिलेगी विच इज़ गुड, अच्छी बात है, देश बदल रहा है, बहुत बढ़िया।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और इस ट्रैफिक का भी कुछ हो जाए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए चीज़ें। एनीवे ये पूरा जाम पैक्ड, और यहीं से जाना है मुझे पार्किंग करने अपनी बाइक। तो यहाँ से कुछ ऐसे निकल सकते हैं, तमन्ना मेरी हो। व्हाट अ ब्यूटी। सिप्स बहुत पुरानी मॉडल है और भाई साहब ने हेलमेट भी नहीं पहना है। देखते हैं, ट्रैफिक पे लगा रखा है, हेलमेट भी नहीं पहना है। नंबर सही है, ये नंबर है जो कि न्यूली बाइक्स को या हर बाइक पे मैंडेट है। इट शुड बी देयर ऑन योर बाइक, चाहे आपकी बाइक कितनी भी पुरानी हो, नई हो। तो अब हम आ चुके हैं सेंट्रल मार्केट, लाजपत नगर। वेस्ट साइड और सामने नहीं दिखा मुझे पार्किंग के लिए जगह मेरे दोस्त। चलिए गोप्रो को अनमाउंट करता हूँ।